रहे हैं हमारे साथ हमारे गुल किचन में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है साग, सरसों का साग, और ये मैं आपको सिखाऊंगी देसी और ढाबा स्टाइल में दोनों तरह से। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। साग मैंने लिया है 1.5 kg, और इसके अंदर ही मैंने हाफ बंच पालक की कटिंग करके डाल दी है, और बाथू मैंने इसमें डाला है 1/2 kg, और इसमें 10 अदद जाएंगी सब्ज मिर्चें, और 8 से 10 जवे जाएंगे इसमें लहसुन के, 1 tablespoon इसमें नमक, 1 tablespoon इसमें रेगुलर सुर्ख मिर्च, और 1/2 teaspoon इसमें हल्दी का जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देगचा मैंने चूल्हे पे रखा है। अब इसके अंदर मैं 3 tablespoon घी ऐड करूंगी, और उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन डाल दूंगी, और सब्ज मिर्चों के मैं क्राउन उतार के वो बीच में ऐड कर दूंगी। अभी ने हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, और ये मैंने सब्ज मिर्चों की कटिंग कर दी है, ये बीच में मैंने ऐड कर दी है। दोनों को हम फ्राई करेंगे। जी ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और सब्ज मिर्चों का भी कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और लहसुन भी गोल्डन इसका कलर हो गया है। और अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दूंगी, और साथ में ही मैंने इसके साग और बाथू ऐड कर दूंगी। मैं इसमें 2 cup जो है वो पानी ऐड करूंगी। अभी मैंने 1 cup डाला है, क्योंकि साग और बाथू ये भी अपना पानी रिलीज करते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके साग ऐड करूंगी। सारा साग मैंने इसमें ऐड कर दिया, और अब इसमें ये 1 cup और मैं पानी ऐड करूंगी, और ये जैसे जैसे इसका पानी ये अपना रिलीज करेगा ये नीचे की तरफ बैठता जाएगा। और इसको अब मैं मीडियम फ्लेम करके और इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाए। के बाद के इसके जो स्टेप होंगे, फर्दर स्टेप, वो मैं आपको बताऊंगी जब ये बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जी इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने आपसे कहा था कि ये जो है इसका पानी ड्राई होगा, लेकिन ये तकरीबन 3 घंटे में ही इसका पानी ड्राई हुआ है, और ये देखें कितना रिड्यूस हो गया है साग। और अब हम क्या करेंगे, कि ये जो साग है इसको हम ब्लेंडर स्टिक के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, और जो वुडन स्टिक होती है जिसके साथ इसको आप हाथ से करते हैं, या मिट्टी की हांडी में डाल के इसको मुलायम करते हैं। तो मैं आपको ये आसान तरीके से सिखा रही हूँ और बता रही हूँ। हम क्या करेंगे, हम इसको चॉपर में डालेंगे। तो ये रहा चॉपर,
अब मैं इसमें से निकाल के चॉपर के अंदर ऐड करती जाऊंगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो आटा लिया है, आप मकई का आटा ले सकते हैं। ये मैंने आम जो घर में हम लोग यूज करते हैं गंदम का आटा वो लिया है। और अभी मैंने चॉपर में ये मैं कर रही हूँ, अभी क्या अभी मैं ये क्या करूँगी, फ्राई पैन में मैंने आटा जो आटा डाला है और इसको थोड़ा सा हम जो है ना गरम कर लेंगे, इसको भून लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा साथ में मैं इसमें आटा ऐड करूँगी। बस ये 1 मिनट तक इसको हमने कर लेना। और अब ये मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी और इसको चॉपर को हम लोग चलाते जाएंगे। इसी तरह से हमने क्या करना है, सारे साग को थोड़ा थोड़ा सा आटा डाल के और हम इसे चॉप कर लेंगे। इसी तरह से मैं ये सारा साग जो है चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूंगी। चॉप कर लिया है, ये देखें ना, ये बहुत ज्यादा क्रीमी है और जिस तरह का ये था मोटा मोटा सा उस तरह से भी नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने आटा डाल के इसको चॉप किया है। अब मैं इसको गर्म कर रही हूँ, दोबारा से पका रही हूँ और इसका फ्लेवर थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैं इसमें ये 1 किनोर ऐड करूंगी। कनौर को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, गर्म पानी करके तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से भी आप डाल दें, ये इसकी हीट से ही मेल्ट हो जाएगी। जी ये देखें, तकरीबन साग तो ऑलरेडी पक चुका है। बस अभी जो इसमें थोड़ा सा भी कोई हमें फील होता है कि इसमें थोड़ा बहुत कोई पानी है तो हम उसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। और अब मैं आपको बताऊं तड़के में क्या क्या है। अदरक लिया है, इसको मैंने स्टिक्स में जो है ना इसकी कटिंग कर ली है। और सुरख साबित मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 8 अदद, इन्हें बटन रेड चिल्ली भी कहते हैं। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनकी कटिंग कर ली है। और 1 टेबल स्पून मैंने भुना कुटा जीरा लिया है और साथ में मक्खन लिया है। और मक्खन और घी का हम इसे तड़का लगाएंगे। मक्खन के साथ आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मक्खन को घी के साथ चाहे कर लें, चाहे आप ऑयल के साथ कर लें। तो बस अभी ये हमारा 2 से 3 मिनट में ये हमारा रेडी है। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, ये बबल्स बन रहे हैं और ये साथ में ये देखें ये ड्राई हो जाएगा 2 से 3 मिनट में, फिर हम इसे तड़का लगाते हैं। इस पॉइंट पे आप जो है इसमें नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। हरी मिर्चें ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए तड़के में मैंने सब्ज मिर्चें 2 से 3 अदद ही रखी हैं। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, आपको इसमें नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर सकते हैं। बाकी हरी मिर्च और सुरख मिर्च डाली है तो वो तो बिल्कुल, मिर्च तो इसमें बिल्कुल बैलेंस है। जी ये इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। जी पैन मैंने फ्लेम पे रखा है और अब मैं इसमें तकरीबन भर के 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। जी ये देसी घी है, इसमें आप डालडा ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कोई भी ब्रांड का घी इसमें डाल सकते हैं, देसी घी डाल लें। अच्छा, और अभी जैसे ये घी मेल्ट होता है तो सबसे पहले इसके अंदर मैं अदरक को डालूंगी। अदरक
डाल सकते हैं, अदरक कूट के भी इसमें आप डाल सकते हैं, और इस तरह से भी आप स्टिक्स में भी आप इसको तड़के में डाल सकते हैं। इसलिए अभी मैंने इसके साथ मक्खन ही डाला, मक्खन अभी मैंने इसलिए नहीं इसके साथ डाला कि पहले ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें मक्खन ऐड करूंगी, इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए फिर मक्खन ऐड करूंगी। इसका कलर तकरीबन चेंज हो गया, अब मैं इसमें मक्खन ऐड करूंगी। ये और बस अब जैसे ही मक्खन इसमें, ये फ्लेम मैंने अब बिल्कुल लो कर दी है, मक्खन मेल्ट होता है तो साथ में ही मैं ये इसके अंदर ये सारे स्पाइस डाल दूंगी। ये देखें अदरक का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, मक्खन भी मेल्ट हो गया। अब मैं प्याले में मैंने साग डाला है और ये मैं सारा इसमें इसके ऊपर मैं इसका तड़का लगा दूंगी। जी ये मैंने इसे तड़का लगा दिया है और हमारा साग देसी स्टाइल में और ढाबा स्टाइल में रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।